मैक्रोटेक फिल्टर ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है MTV 500, 500 लीटर पर आवर में ये मशीन फिल्टरेशन करता है। हम आप लोगों को समझाएंगे ये कैसे ऑपरेट करते हैं। पहले कंट्रोल पैनल के अंदर पे जो मेन MCB है उसको ऑन करना है, उसके बाद उसका सप्लाई फॉल्ट देखना है। इसमें कोई फेज गलत रहेगा तो ये सप्लाई फॉल्ट वाला बजर बजेगा। इसके साथ हम लोग आपको हमारा 500 LPH का मशीन में जितना एक्सेसरीज लगा हुआ है, जैसा है वैक्यूम पंप, उसके साथ दिया हुआ है मॉइस्चर सेपरेटर, उसके बाद है हीटर चेंबर, 1 माइक्रोन का फिल्टर, आउटलेट पंप, बैक फिल्टर, संग में डिगेसिंग चेंबर है जिसके अंदर भी कुछ एक्सेसरीज लगा हुआ है फिल्टर कटिंग। अभी आप लोगों को कैसे मशीन चलाया जाता है वो समझाएंगे। पहले हम लोगों को इसमें जितना वाल्व है सबको क्लोज पोजीशन में रखना है। और सिर्फ वैक्यूम पंप के ऊपर जो वाल्व है उसको ओपन करना है। अभी वैक्यूम पंप को चलाना है, उसका स्विच ऑन करते हैं। वैक्यूम पंप जब भी स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद डिगेसिंग चेंबर में जो गेज वैक्यूम गेज लगा हुआ है वो आपको रीडिंग दिखाएगा, जिसमें 700 से -700 से -760 तक इसका रेटिंग होना चाहिए। और इसका रेटिंग MMHG में इसका यूनिट है। जब भी वो 700 से 760 के बीच रहेगा उस टाइम पे हम लोग इनलेट का जो वाल्व है उसको खोल देंगे। वो खोल देंगे तो वहाँ से ऑयल अंदर जाता रहेगा। ऑयल जाता रहेगा तब जाके हम लोग डिगेसिंग चेंबर के अंदर जो ग्लास है वहाँ से देखेंगे, वहाँ से ऑयल गिर रहा है क्या। जब गिरना चालू हो जाएगा तब हम लोगों को आउटलेट का वाल्व को पहले खोलना है। वाल्व को खोलने के बाद हम लोगों को पैनल में आउटलेट पंप वाला स्विच को ऑन करना है। ऑन करते ही इसका फिल्टरेशन चालू हो जाता है। आपको दिखाई देगा अभी हम लोग कैसे मशीन को बंद करते हैं ऑपरेशन वो समझाएंगे। पहले हम लोगों को इनलेट का जो वाल्व है उसको बंद करना है, उसके बाद डिगेसिंग चेंबर का ऑयल देखना है और गिर रहा है क्या। जब ऑयल गिरना बंद हो जाएगा तो आउटलेट पंप का जो स्विच है उसको बंद करना है, उसके बाद उसका वाल्व को क्लोज पोजीशन में लेके जाना है। फिर जाके वैक्यूम पंप के ऊपर जो वाल्व है उसको ओपन करना है और मेन वाल्व को बंद करना है, करके वैक्यूम पंप का स्विच को ऑफ पोजीशन में कर देना है। थैंक यू।